काल में महाभारत भी एक विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध है, पूरे विश्व के लोग उस युद्ध में आ गए थे। कर्नाटका का उडपी एक जिला है, कर्नाटका में, वहां का नरेश भी अपनी फौज फोर्स लेकर आ गया युद्ध में। कौरव चाहते थे कि मेरे पक्ष मिले, पांडव चाहते हैं मेरे पक्ष मिले। कौरव लोग तेज थे, तो जानते हो कि इतनी सेवा सुशूषा करके पांडवों के मामा शल्य तक को अपने पक्ष मिला लिए। मानते थे सबसे ज्यादा गुरु द्रोणाचार्य, जो भी उसी के पक्ष में है, कृपाचार्य जो है उन्हीं के पक्ष में है। आप बताइए तो सब लोग उसके पक्ष में चले गए। उडपी नरेश आया तो दोनों पक्ष मिलाने लगा कि हमें आ जाओ, हमें आ जाओ। उडपी नरेश, उडपी नरेश जो है कर्नाटक का, कृष्ण के सामने जाकर खड़ा हुआ, कहा कि मैं तो सत्य में प्रतिष्ठित हूं, यह युद्ध दो भाइयों का है, जब दो भाई लड़ रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है। अब भाई भाई का युद्ध कभी भगवान कोई जीतता नहीं है, दोनों भाई हारता है। भाई भाई में युद्ध हो तो कोई जीतता है, बोलो। उडपी नरेश कहा कि भाई भाई के युद्ध में कोई जीतता नहीं है, दोनों हारता ही है। यह मारा तो भी वह हारा, वह मारा तो भी हारा, मारा तो अपने ही को ना मारा, दूसरे को मारा। तो भगवान कृष्ण भाई भाई के युद्ध में जीतेगा कौन? कृष्ण चकरा गई, तो अजीब बात कह रहा है, बात तो ठीक कह रहा है। एक भाई दूसरे भाई पर गोली छोड़े, कौन जीतेगा बोलो? कोई जीत रहा है? देखो यह प्रश्न खड़ा किया उडपी नरेश कि मेरा दिमाग चकरा गया है, दोनों भाई भाई लड़ रहे हैं, दोनों हार रहे हैं, फिर अहंकार में लड़ रहे हैं, प्रभु आप इन्हें रोक नहीं रहे हैं। कहा कि मैं रोकने का सारा प्रयास कर चुका हूं, रुका नहीं, युद्ध असंभावी हो गया है। तो जानते तो दोनों हारेगा, कहा कि जानता हूं। एक पहले मारा जाएगा, एक जीतने के बाद पछताएगा, पछता पछता कर मरेगा। पांडव लोग जीतकर पछताया कि नहीं पछताया? एक पहले मारा जाएगा, एक मरने के बाद मरेगा, वह भाई को मारने के बाद पश्चाताप में मरेगा, मैं जानता हूं। तो कहा कि मैं ऐसे युद्ध में क्यों सम्मिलित हूं? कहा कि कृष्ण कहे कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। कहा कि जितने लोग युद्ध में सम्मिलित हैं, भाई भाई के युद्ध में, तो पागल है, मूर्ख है। ये सुना है कथा? नहीं सुना है। चलो तो कहा कि पागल है, मूर्ख। कृष्ण कहे तब क्या करोगे? कहा कि हम आ गए हैं तो लौटेंगे भी नहीं। क्या करोगे भाई, लौटेंगे भी नहीं तो? कहा कि हम यही सोचे हैं, दोनों तरफ से युद्ध में कितने लोग हैं? कहा कि 50 लाख। तो मैं अपने सैनिकों के साथ 50 लाख दोनों तरफ के सेनाओं का मैं भोजन बनाऊंगा, नाश्ता बनाऊंगा, इनको भोजन कराऊंगा। भोजन करने की तो व्यवस्था कोई नहीं किया है ना, तो ना गाग में भोजन करो, लंगर कराऊंगा। समझ गया महात्मा सिद्धार्थ? तू कहता कि नहीं, हम एक पार्टी को खिलाएंगे, दूसरे को नहीं खिलाएंगे। पार्टी मान लेता है फटाफट। उडपी नरेश कहा कि मैं 50 लाख लोगों को, 50 लाख लोगों को भोजन कराने में कितना खर्च आएगा बताओ? वह भोजन कराने लगा, अब बनाने लगा दोनों पार्टी के लोगों। लेकिन खूबी यह थी कि एक दाना बर्बाद नहीं होता था, इवन ए सिंगल ग्रेन बर्बाद नहीं होता था, जितना बनाता था सब चट हो जाता था। महाभारत खत्म हो गई, पांडवों ने पूछा, बच गए, कहे कि उडपी नरेश अब तो तू जाएगा? तो जी हां, लेकिन तुम्हारी ये कला हम लोग देख करके समझ नहीं पाए, तू इतना भोजन बनाया कैसे? तू बनाता था कि आज इतने ही सैनिक हैं भोजन करने के लिए, तुम्हारा उतना हो जाता था,
और एक दाना बर्बाद नहीं हुआ, 50 लाख लोग। तो उन्होंने बताया, धर्मराज से पूछा कि ये बताइए कि युद्ध में आपका विजय का श्रेय किसको जाता है? कहा कृष्ण को जाता है। कहा कि हमारे भोजन का भी श्रेय इन्हीं के यहां जाता है। कहा कि ये कैसे? कहा कि ये रात में सोते समय मूंगफली खाते हैं। अच्छा, किसको क्या खाना होता है तो मैं जानता हूं ना, तू लो सोते समय मटन खाता है, मूंगफली खाते हैं। तब रोज इनको मूंगफली मैं गिन कर देता था, जितना मूंगफली ये खा, जब ये छोड़कर चले जाते थे सुबह मैं मूंगफली उठाकर गिन लेता था कितना खाए। तो मान ली कि जिस दिन मूंगफली 50 खाए हैं तो उस दिन हम 50 में 1000 का गुणा कर देते थे, कितना हो गया 50,000। तो मैं समझ जाता हूं कि आज इतने सैनिकों को खा जाएंगे। अब समझ गया, तो उतने सैनिक का भोजन अगला दिन कम बनाते थे। हम क्यों गिनने जाए, मूंगफली गिन लेते थे। जितना खा जाते थे तो हम समझे कि अगला दिन इतना खा जाएंगे। तुम जानते हो, तुम युद्ध कर रहे हो, मैं जान रहा हूं कि यही दोनों और को खा रहे हैं।